हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए ये बहुत ही सुंदर नया डिज़ाइन लेके आए हैं। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन में, स्वेटर में, जैकेट में, लाइट सर्दी हो तो इस स्वेट डिज़ाइन बनाकर आप पहन सकते हैं। और दूसरी बात, इस डिज़ाइन को खासकर शाल पे, मफलर पे और कैप पे डाला जाता है। तो जब हम मफलर बनाते हैं, शाल बनाते हैं, तो हम ऐसे ही डिज़ाइन डालते हैं जो दोनों तरफ से ही अच्छा लगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान है। दो सिलाई का डिज़ाइन है और इसके फंदे हम तीन तीन मल्टीपल्स के हिसाब से रखते हैं। तीन तीन फंदों का डिज़ाइन है। एक एक फंदा हम साइड में रखेंगे, दो फंदे साइड में, तीन तीन के हिसाब से डिज़ाइन डलेगा। डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपने मफलर में डालना है, शाल में डालना है, तो आपने क्या करना है, आपने 9 नंबर की सिलाई लेनी है। हम आपको कैसे दिखाते हैं, ये 9 नंबर की सिलाई है। अगर आपने जैकेट में और स्वेटर में डालना है, खासकर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालना है, तो आप 10 नंबर पे बनाइए इसको। 10 नंबर पे थोड़ा सा टाइट बनेगा और 9 नंबर पे ऐसे लूज़ लूज़ और सुंदर सा, सॉफ्ट सा बनेगा। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने वैसे ही एक लाइन उल्टी डाली थी, एक दोनों तरफ उल्टी उल्टी, फिर डिज़ाइन को स्टार्ट किया। डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए हम फर्स्ट सिलाई जहीं पर बताएंगे आपको, जैसे आपने जहां से स्टार्ट करना है, लेकिन फर्स्ट सिलाई आपकी ये है। तो आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा उतार लेना है चेन के लिए, जो हम साइड में चेन बनाते हैं। एक फंदा उतारा और जो तीन फंदे होंगे हमारे, तीन फंदों का हमने ऐसे, हाँ, जब हमने फंदा उतारना है, इसको आगे ले आना है, तो जाली डालनी है। जाली डालने के लिए फंदा, जब थ्रेड आगे लाएंगे, तो तीन फंदों का हम एक करेंगे ऐसे। तीन का एक किया, उसके साथ ही एक फंदा छोड़ देंगे हम, और दो फंदों का फिर एक करेंगे ऐसे। फिर हम आगे थ्रेड ले आएंगे और तीन फंदों को सिलाई पे लेंगे, जब भी स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट सिलाई है। तीन फंदों को हमने एक साथ पीछे की तरफ लेना है सिलाई, और ऐसे फंदा निकालना है। फिर हमने एक फंदा छोड़ देना है और दो फंदों को पीछे से दोबारा बुनना है, तो हमारे तीन फंदे हो जाएंगे। एक हमारा जाली वाला, दो फंदे जी, क्योंकि हम तीन फंदे कम कर रहे हैं। तो हम फिर थ्रेड आगे करेंगे और तीन फंदों को पहले इधर सिलाई ऐसे करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाकर तीन का एक करेंगे, फिर एक फंदा छोड़ेंगे और दो का एक करेंगे दोबारा से ऐसे। उसके बाद फिर वैसे ही हमने पूरी सिलाई बनानी है, तीन तीन फंदों के हिसाब से। तीन फंदों का एक किया, एक फंदा छोड़ा, दो का एक किया। जब हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे, थ्रेड आगे करना है, जब हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे, थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में टाइट लगेगा, तो उसको ध्यान से बनाना है। अब हमारा थोड़ा चल चल गया है बन के, फंदे लूज़ हो गए हैं, तो अब जल्दी बन रहा है। तो एक सीधा निकाला फंदा, फिर दूसरी बार दो दो में से बुनना है, तो हमारे तीन फंदे हो जाएंगे, एक जाली वाला, दो जी। फिर हम थ्रेड आगे लाएंगे, तीन का एक करेंगे पीछे को, और फिर दो को बुनेंगे, एक को छोड़ देंगे और दो में से फंदा निकाल लेंगे। आगे करेंगे, तीन फंदे बुनेंगे, दो फंदे फिर बुनेंगे, छोड़ देंगे। आगे करेंगे थ्रेड, जाली डलेगी, तीन का एक करेंगे और उसके बाद एक छोड़कर दो का एक करेंगे। लास्ट वाला फंदा जो है, हम सीधा ही बुनेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा बुनना है। अब हमारी सेकंड सिलाई है और रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे हमने क्या करना है, एक वो फंदा उतार लेना है, एक,
अब हमारी रॉन्ग साइड है तो थ्रेड इधर इधर है, हमने फिर तीन का एक करना है तो हम एक जाली डाल लेंगे, ऐसे जाली डाल ली। फिर तीन फंदों का एक करना है, एक फंदा छोड़कर दो का एक करना है, फिर जाली डालनी है जाली की जगह पे, और तीन फंदों का एक करना है, फिर दो का एक करना है, तो तीन फंदे फिर होगी। जाली डाली एक फंदा, तीन का एक किया, एक बार बुना तीन को, फिर दो को बुना, तो तीन फंदे हमारे फिर हो गए। जितने कम करेंगे उतने फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो उल्टी सिलाई में हमने ऐसे करना है, एक बार बुना फिर दूसरी बार एक फंदा छोड़ के, तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर जाली डाल लेंगे, उल्टी साइड हम जाली ऐसे ही डाल देंगे और तीन फंदों का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, तीन फंदों का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, तीन फंदों का एक किया, अब दो का एक, और लास्ट वाला फंदा इसमें भी उल्टा बुनेंगे, उल्टी साइड लास्ट वाला उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड सीधा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। तो आपने भी ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन को बनाना है, बहुत आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर सकते हैं आप। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।